हाय ब्रिबन, आपका क्वेश्चन है फ्रायड लिच अधिशोषण समतापी वक्र की विवेचना करें। तो किसी गैस की किसी ठोस पर अधिशोषण की सीमा सामान्यतः एक्स एल एम के रूप में व्यक्त की जाती है, जहां एम अधिशोषक का द्रव्यमान एवं एक्स मुक्त गैस एवं अधिशोषित गैस के बीच गतिक समावस्था समाप्त हो जाने पर अधिशोष्य के मोलों की संख्या है। स्थिर ताप पर एक्स अपॉन एम एवं गैस के ताप यानी पी प्रेशर के बीच संबंध या ग्राफ अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। फ्रायडलिक अधिशोषण समतापी वक्र की बात कर ले तो गैसों के ठोस पर अधिशोषण के स्थिर ताप पर एक्स अपॉन एम एवं गैस के दाब पी के बीच संबंध निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक्स अपॉन एम इक्वल टू के पी पर पावर 1 अपॉन एन, जहां एन जो है एन से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एन ग्रेटर देन 1, ठीक है। उपर्युक्त समीकरण में दोनों पक्षों में लघुनात्मक लेने पर यानी कि लघु ये लॉग का साइन लेने पर हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1 अपॉन एन लॉग पी, ठीक है। यदि हम लॉग एक्स अपॉन एम एवं लॉग पी के बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस ग्राफ की सहायता से के एवं एन का मान ज्ञात किया जा सकता है। एल लॉग एक्स अपॉन एम एवं लॉग पी के मध्य जो है खींचे गए ग्राफ को फ्रायडलिक समतापी वक्र कहते हैं, जैसा कि ग्राफ में आप देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।